हेलो एवरीवन, मैं हूं देपरमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टीचिंग आइडियाज। आज मैं मैट्रिक क्लास की बायोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है होम्योस्टेसिस, उसके एक और टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूं। और वो टॉपिक है रोल ऑफ स्किन इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। इससे पहले जो लेक्चर हमने अपलोड किया है, जिसमें हमने स्किन की जो है वो स्ट्रक्चर और उस स्ट्रक्चर के अंदर जो लेयर्स पाए जाते हैं उनका काम और उनके अंदर कौन सी स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, वो सारी चीज़ें हमने जो है वो डिस्कस की। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो आप इस लिंक पे जो है वो क्लिक करके वो लेक्चर जो है वो देख सकते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम जो है वो स्किन टेम्परेचर को जो है वो कैसे रेगुलेट करती है और ये सारा मैकेनिज्म इसके अंदर कैसे होता है, ये सारी चीज़ें जो है हम डिटेल से इस लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। स्किन जो हमारी बॉडी का जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गेन भी माना जाता है, प्रोटेक्टिव ऑर्गेन भी माना जाता है, टेम्परेचर रेगुलेटिंग ऑर्गेन भी माना जाता है, और इन सारे कामों के हिसाब से इसको जो है वो होम्योस्टेटिक ऑर्गेन भी माना जाता है। तो इस हिसाब से ये सारी चीज़ें हम कुछ पहले जो है वो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं और बाकी जो है इस लेक्चर के अंदर इस टॉपिक के हवाले से जो है वो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करें। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। इस लेक्चर में सबसे पहले हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं रोल ऑफ स्किन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे कि स्किन जो है वो हमारे टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करती है और टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इसको जो है कौन सा मैकेनिज्म जो है वो तैयार करना पड़ता है। तो इस हिसाब से कुछ जनरल पॉइंट है सबसे पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहली पॉइंट ये है, द रिसेप्टर इन स्किन डिटेक्ट चेंज इन बॉडी टेम्परेचर। हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है अगर वो चेंज होता है, मसलन के फ्रॉम सेट 37 सेल्सियस, हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो सेट पॉइंट है वो 37 सेल्सियस है, अगर इसमें कोई भी चेंज हो, चाहे 37 से ऊपर हो या 37 से जो है वो लो, जो भी चेंज हो उसको जो है वो इस स्किन के अंदर कुछ डिटेक्टर्स हैं वो इनको डिटेक्ट कर लेते हैं, जो थर्मो रिसेप्टर हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आपको पता होगा कि थर्मो रिसेप्टर कहाँ पे पाए जाते हैं स्किन के अंदर, तो वो उस चेंज को जो है वो समझ लेते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज, चाहे टेम्परेचर डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, देन रिसेप्टर सेंड नर्व इम्पल्स, फिर वो रिसेप्टर जो है वो एक पैगाम जो है वो जनरेट करेंगे जिसको जो है वो नर्व इम्पल्स कहा जाता है टू द ब्रेन, और वो पैगाम जो है वो ब्रेन की तरफ CNS की तरफ जो है वो भेजा जाएगा। इट करेक्ट्स द टेम्परेचर बाय फीडबैक सिस्टम, और ब्रेन जो है वो फीडबैक के सिस्टम से जो है वो रेस्पॉन्स जनरेट करता है और उससे वो टेम्परेचर को जो है वो सेट करवाता है, एक्यूरेट जो पॉइंट है उस पर वापस ले आता है, चाहे वो डिक्रीज हुआ हो तो उसको इंक्रीज करवाएगा 37 तक, अगर इंक्रीज हुआ था तो उसको डिक्रीज करके 37 पॉइंट जो सेट पॉइंट है उस तक ये जो है वो उसको करेक्ट करेगा। तो इस हिसाब से टेम्परेचर को जो है वो इस तरह से फीडबैक सिस्टम के थ्रू जो है वो रेगुलेट किया जाता है। यहाँ पे हम जो है वो टू कंडीशंस जो है वो रख के इस टॉपिक को जो है वो डिस्कस करेंगे कि अगर टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है तो फिर हमारी स्किन जो है उसे रेगुलेट करने के लिए, ये सेट पॉइंट तक लाने के लिए कौन सा मैकेनिज्म तैयार करती है, और अगर वो लो हो जाता है तो हमारी स्किन जो है वो कौन सा मैकेनिज्म कहाँ पे कैसे तैयार करती है। सबसे पहले हमारे पास जो है वो इफ बॉडी टेम्परेचर स्टार्ट्स टू राइज, अगर बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 से बढ़ जाता है तो सबसे पहली जो चेंज आएगी वो होगी प्रोडक्शन ऑफ स्वीट। अगर टेम्परेचर बॉडी का जो है 37 से बढ़ जाता है तो स्वीट ग्लैंड जो हमारी स्किन में पाए जाते हैं, सीक्रेट स्वीट ऑन द सरफेस ऑफ स्किन विच एवापोर्स विद हीट एनर्जी सो द बॉडी फील्स कूलिंग। जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो स्वीट ग्लैंड जो हमारी स्किन में पड़े हुए हैं डर्म्स के अंदर, वो स्वीट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, और उस स्वीट के प्रोडक्शन से उसके साथ जो है वो हीट भी जो है वो लॉस हो जाती है। तो जो हीट अंदर पैदा हुई थी उसका जो है वो लॉस होने से हमारी इनर बॉडी जो है वो कूल फील करती है। तो इस हिसाब से जो टेम्परेचर बढ़ा था उसको लो करने का फर्स्ट स्टेप ये। उसके बाद स्किन के अंदर लैंग डाउन ऑफ हेयर, टेम्परेचर बढ़ जाने की मद में हमारे हेयर जो होते हैं स्किन पे वो बिल्कुल जो इरेक्ट होते हैं वो बिल्कुल लेट जाते हैं और हमारे सरफेस से जो है वो अटैच हो जाते हैं। ये क्यों होता है? इन हॉट कंडीशन मसल्स अटैच विद हेयर, जो मसल्स हमारे
हेयर से इरेक्ट करने में, उसको जो है अपराइट रखने में जो इन्वॉल्व है वो मसल्स जो है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, और उनके रिलैक्स होने से द हेयर ले डाउन ऑन द सरफेस ऑफ स्किन। तो जो मसल्स हमारे हेयर को इरेक्ट रखती है या अपराइट रखती है, जब वो रिलैक्स हो जाते हैं तब हमारा हेयर जो है वो बिल्कुल लेट जाते हैं, सरफेस से जो है वो अटैच हो जाते हैं। इसके बाद थर्ड एक्टिविटी जो होती है उसे कहते हैं वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन का मतलब हमारे डर्म्स लेयर के अंदर जो नेटवर्क का आर्टियोल है उनका जो है वो वाइडर हो, द नेटवर्क ऑफ आर्टियोल डायलेट इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड, और ब्लड का फ्लो बढ़ जाने से ब्रिंग ब्लड नियर टू द सरफेस ऑफ स्किन, और इस हिसाब से ब्लड वेसल्स जो आउटर सरफेस स्किन की क्लोज आ जाती है, तो इसका मतलब है वो बाहर का जो टेम्परेचर उसके जो है वो क्लोज आ जाती है, तो वहां से वो जो है हीट का लॉस करने का जो प्रोसेस है वो वहां पे शुरू होता है, और इस तरह से हीट लॉस होती है। हीट लॉस होने से इनर टेम्परेचर जो है वो लो होता है, बॉडी कूल फील करती है, तो इस हिसाब से जब टेम्परेचर बढ़ जाता है बॉडी का तो बॉडी स्वीट जो है वो प्रोडक्शन का प्रोसेस कैरी ऑन करती है, और उससे जो है वो हीट लॉस होती है और लाइंग डाउन ऑफ हेयर, और हेयर जो फ्लेट होते हैं उनकी मसल्स रिलैक्स हो जाती है, तो हेयर जो है वो बिल्कुल अपर सरफेस से जो है वो लपेट जाते हैं। और उसके बाद थर्ड जो है वो वैसोडाइलेशन होता है। वैसोडाइलेशन का मतलब है कि जो नेटवर्क के आर्टियोल का डायलेट हो जाती है, वाइडर हो जाती है, तो वो ब्लड को जो है स्किन के आउटर सरफेस के क्लोज लाती है, और उससे जो है वो हीट लॉस हो जाती है, और इससे टेम्परेचर जो है वो वापस सेट पॉइंट की तरफ जो है वो वापस बढ़ता है, और ये सारा मैकेनिज्म जो है ये ब्रेन की फीडबैक से जो है वो चल रहा होता है। ऑन द अदर एंड अगर आप देख लें तो इफ बॉडी टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग, अगर बॉडी का टेम्परेचर जो 37 सेल्सियस है अगर उससे जो है वो डिक्रीज हो जाए इन कोल्ड कंडीशन, जब कोल्ड कंडीशन होती है स्पेशली विंटर सीजन के अंदर जहाँ ऐसे एरिया जहाँ पे जो है वो ठंड है, तो वहां पे बॉडी टेम्परेचर जो है अगर वो डिक्रीज हो जाता है तो वहां पे जो है बॉडी कौन सा मैकेनिज्म तैयार करती है ब्रेन की कोऑपरेशन से, सबसे पहले जो है डिक्रीज इन स्वीट प्रोडक्शन, जो स्वीट प्रोडक्शन होती है उसको बिल्कुल स्वीट ग्लैंड जो है वो स्टॉप कर देती है। सबसे पहली पॉइंट ये है दे स्टॉप प्रोडक्शन ऑफ स्वीट, सो इट प्रिवेंट्स फ्रॉम एनर्जी लॉस, स्वीट की प्रोडक्शन जो है वो रोक देने से एनर्जी या हीट की जो लॉस होता है वो बिल्कुल रोक दिया जाता है। सेकेंड पॉइंट ये इरेक्शन ऑफ हेयर, इरेक्शन ऑफ हेयर का मतलब ये है द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट पुलिंग द हेयर अपराइट, मसल्स जो हेयर से अटैच हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो हेयर जो है वो बिल्कुल सीधे हो जाते हैं हमारे स्किन के सरफेस पे, ट्रैपिंग अ लेयर ऑफ इंसुलेटिंग एयर नेक्स्ट टू द स्किन, और इससे जो इंसुलेटिंग का जो लेयर है उसको जो है वो खींचते हैं हमारे स्किन के आउटर सरफेस की तरफ, तो इस हिसाब से हीट जो है वो ज्यादा लॉस नहीं होती और हीट को जो है वो महफूज किया जाता है। और थर्ड पॉइंट ये है वैसोकॉन्ट्रैक्शन, वैसोकॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये है हमारी ब्लड वेसल्स जो है वो वाइडर नहीं होती, यहाँ पे कोल्ड कंडीशंस के अंदर वो ब्लड वेसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, इसका मतलब है कि वो नैरो होती हैं, उनका डायमीटर जो है वो नैरो होता है, और नैरो होने से क्या होता है रिड्यूसेस द ब्लड फ्लो इन द कैपिलरीज ऑफ स्किन, स्किन के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज है उनके अंदर जो है ब्लड का फ्लो जो है वो बिल्कुल कम किया जाता है, सो लेस हीट इज लॉस, हीट जो है ना वो बिल्कुल कम जो है वो लॉस होती है, तो इस हिसाब से टेम्परेचर को अंदर बढ़ाने का अमल जो है वो तेज होता है। और इसके बाद जो है इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट्स, हमारे जब बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाता है तब हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को जो है वो बिल्कुल तेज किया जाता है, इन कोल्ड कंडीशन रेट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द ऑर्गेन इंक्रीज इज जनरेटिंग मोर हीट, और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है वो ज्यादा या तेज करने से ये होता है कि अंदर जो है वो हीट ज्यादा पैदा होती है, और ज्यादा हीट पैदा होने से वो जो है डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द बॉडी इन द ब्लड स्ट्रीम, और जो हीट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में जो है वो रिलीज हो रही है उस हीट को ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो है वो पूरी बॉडी को दिया जाता है। इट प्रिवेंट्स लॉस वीआ एडिपोज टिश्यूज विच वर्क्स एज इंसुलेशन, एडिपोज टिश्यूज जो है वो इंसुलेटिंग एयर का जो है वो काम करते हैं, वो हीट को जो है वो वहां पे स्टोर करते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं, तो इस हिसाब से अंदर जो है
वो हीट बॉडी की जो है वो बढ़ जाती है और उस हीट के बढ़ जाने से बॉडी का टेम्परेचर जो है वो राइज होना शुरू होता है। तो इस हिसाब से ये चार एक्टिविटीज जो परफॉर्म की गई है बॉडी के अंदर इन कोल्ड कंडीशन के अंदर टेम्परेचर को जो है वो राइज करने के लिए, सेट पॉइंट तक जो है वो ले जाने के लिए, ये सारा मैकेनिज्म जो है ये ब्रेन के फीडबैक से परफॉर्म किया जाता है और इस हिसाब से वापस बॉडी के अंदर जो है वो सेट पॉइंट टेम्परेचर का जो है वो वापस लाया जाता है ताकि बॉडी जो है एक स्मूथली फॉर्म में काम कर सके। यहाँ पे शायद आप सवाल करें कि बॉडी का टेम्परेचर लो या हाई होता है, तो हो जाने दे, कोई मसला नहीं। आपको पता होगा कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं सेल की, खास तौर पे जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, वो सेट पॉइंट जो टेम्परेचर का है वो 37 के अंडर जो है वो काम करते हैं। वहां पे एंजाइम्स जो होते हैं वो इस टेम्परेचर के अंदर अपने काम जो है परफॉर्म करते हैं, चाहे रेस्पिरेशन हो, ऑक्सीडेशन हो, बहुत सारे ऐसी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो इस टेम्परेचर के अंडर में अपने काम जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो उनको रन रखने के लिए, उनको जारी रखने के लिए सेल को जिंदा रखना जरूरी है, तो इन एक्टिविटीज को जारी रखना जरूरी होगा। इन एक्टिविटी को जारी रखने के लिए एंजाइम से काम करवाना होगा, एंजाइम से काम करवाने के लिए टेम्परेचर को इस हद तक रखना होगा तभी वो एंजाइम्स काम करेंगे। तो इस सारे मैकेनिज्म के लिए टेम्परेचर को हमारी इंसानी बॉडी के अंदर जो है वो 37 सेल्सियस तक जो है वो रखा जाता है ताकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है वो अपनी फॉर्म में काम कर सकें। इसीलिए बाहर जो भी टेम्परेचर हमारी बॉडी उस टेम्परेचर के रेस्पॉन्स में अपना टेम्परेचर वही रखती है, इसलिए हम जो है वो कोल्ड कंडीशन में अपनी बॉडी को जो है वो गर्म कपड़ों से कवर करते हैं ताकि अंदरूनी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो। बाहर के टेम्परेचर की बेड में जब लो टेम्परेचर होता है तो हम उस हिसाब से बहुत सारी ऐसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं उनको यूज करके हम जो है अपना टेम्परेचर, या पानी ज्यादा पीकर हम अपना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं ताकि बाहर के टेम्परेचर की बेड में वो मेंटेन रहे। तो इस हिसाब से ये एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म की जाती है ताकि स्किन जो है वो टेम्परेचर को रेगुलेट करने में अपना किरदार अदा करती रहे और हमारे बॉडी के अंदर एक हेल्थी स्टेट में मैकेनिज्म जो है वो जारी रहे। तो ये था आज का टॉपिक, स्किन को जो है एज ए टेम्परेचर रेगुलेटिंग ऑर्गेन के तौर पर डिस्कस किया। स्किन की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पर पहले लेक्चर अपलोड हो चुका है, उम्मीद करता हूँ आपने वो देख लिया होगा। और इस लेक्चर के अंदर हमने स्किन का जो है वो टेम्परेचर रेगुलेटिंग परफॉर्मेंस क्या है उसको डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।